अस्सलामुअलैकुम। बस आप उठे हो या काम से छुट्टी हो तो फिर बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ने जाना पड़ता है। और आज की वीडियो इसलिए स्पेशल के आज इसकी बर्थडे भी है, तो बर्थडे मनाएंगे किंडरगार्टन में। और आपको कुछ किंडरगार्टन के बारे में बताता हूँ और कुछ चीज़ें लेते हैं इसकी बर्थडे मनाने के लिए किटा में। ये आ गया जी रास्ते में रेवे डिपार्टमेंटल स्टोर, ये सुबह 7 बजे खुल जाता, यहाँ से लेंगे केक मफिन वगैरह और जाकर देंगे किंडरगार्टन में। यहाँ पर हर चीज़ का डिपार्टमेंट बना होता है तो उसी में उनकी सारी मिकदार की चीज़ें रखी होती हैं। किंडरगार्टन यानी के बच्चों का बाग या बच्चों के खेलने की जगह। इसकी टाइमिंग स्टार्ट होती है सुबह 7 या 8 से शाम 4 बजे तक, 5-6 तक भी चल जाता है। ये यहाँ नौनिहाल बच्चों के लिए होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको लिए। शुरू में तो फैसिलिटी होती है कागज मुद्र की, यानी कि एक औरत होती है वो कुछ बच्चों की देखभाल करती है तो उसको बोलते हैं कागज मुद्र। और उसके बाद फिर 3 साल के बाद तकरीबन ये शुरू हो जाता है किटा, ये किंडरगार्टन। ये ज़रूरी तो नहीं होता बच्चों के लिए, लेकिन ये इसमें बहुत सारी सहूलत हो जाती है बच्चों को भी और माँ बाप को भी। जो यहाँ पर जर्मन में इंडिविजुअलिटी लाइफ है, यानी कि अगर मियाँ बीवी हैं तो वो दोनों सेपरेट ही रहते हैं, या बाहर से कोई आ गया तो यहाँ पर बड़ी फैमिली। एक तो जहाँ पर आप रहते हैं वो जगह बड़ी छोटी होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जमा नहीं किए जा सकते। और यहाँ पर वैसे भी जो लिविंग स्टाइल है वो सेपरेशन का है, मतलब मियाँ बीवी लहदा। बहुत सारी जो खाली औरतें होती हैं, खाली अकेली औरत रह रही होती है, उसके साथ बच्चे होते हैं, तो ये सहूलत है उनके लिए कि माँ काम पे और बच्चे की टेक केयर यहाँ पर हो जाती है और ट्रेनिंग हो जाती है स्कूल से पहले। बेसिकली किटा जो है ये स्कूल से पहले एक ट्रेनिंग है, बच्चे 5 या 6 साल तक यहाँ पर आते हैं, सारा दिन खेलते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। जर्मनी में जो काम की शिफ्टें स्टार्ट होती हैं, जो फ्रू या मॉर्निंग या अर्ली शिफ्ट होती है, उसकी टाइमिंग नॉर्मली 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जिनके बच्चे होते हैं उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, उनकी शिफ्ट 9 बजे तकरीबन स्टार्ट होती है और वो अपना बच्चा 7 या 8 बजे किंडरगार्टन में छोड़ें, उसके बाद शिफ्ट पे जाएं, शिफ्ट के बाद आते हुए बच्चे को लें घर जाएं। तो यहाँ पर जर्मनी में जो रूटीन लाइफ है वो बड़ी बिजी रहती है, यानी कि आपने पूरा वीक लाइक रोबोट या मशीन, आपका एक सर्कल चलना ही चलना। अभी दिखाता हूँ आपको किंडरगार्टन की बिल्डिंग। कोई पब्लिसिटी, कोई मशहूरी, इश्तिहार वगैरह इस पर कुछ नहीं होता, सिंपल बिल्डिंग है जिस तरह एक घर होता बड़ा। ये है जी किंडरगार्टन की बिल्डिंग, वो सामने जहाँ से गाड़ी गुजरी है वहाँ पे इसका दरवाज़ा, ये पीछे इनका बच्चों के खेलने की जगह। किंडरगार्टन के बाद बच्चे ने जब स्कूल जाना होता है तो उसके लिए 1 साल का कोर्स होता है जिसको कि 4 शूले या स्कूल जाने से पहले का कोर्स कहा जाता है, तो वो हर बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। किंडरगार्टन हर बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये बच्चे और घर वालों दोनों के लिए सहूलत होती है, लेकिन जो 4 शूले है वो स्कूल जाने से पहले हर बच्चे के लिए लाजमी है। ये है जी किंडरगार्टन का दरवाज़ा, यहाँ पर कोड दे दिया जाता है वालदैन को, वो दबाने के बाद दरवाज़ा खुल जाता। तो मैं थोड़ा सा चेक करके नहीं आया, कोरोना के दिनों में जो किंडरगार्टन की टाइमिंग है वो 9 से 3 बजे तक है, तो अभी वेट करना पड़ेगा, फिर मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया। मैं पहुंच गया था वहाँ 8 बजे, तो ठंड बहुत ज़्यादा, तो किटा की टाइमिंग है 9 बजे, तो मैं भी जा रहा हूँ भी घर वापस इसको लेके। आज होगी इसकी छुट्टी और केक काटेंगे घर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।